चलेगा। हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग्स में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग खेत में गोभी लगाए थे, तो अभी थोड़ा थोड़ा हुआ है तो देख अभी तक देखने नहीं गए, तो चलिए चलते हैं गोभी देखने के लिए कितना बड़ा हुआ है। और खेतों में दोस्तों चूहा लग गया और आलू आलू खा रहा है चूहा, तो चलिए चलते हैं खेत में देखते हैं और आप लोग को भी दिखाएंगे। ये परेशान हो रखे सुबह से दोस्तों कि जाना है जाना है, तो चलिए चलते हैं खेत। वीडियो बने रही, चलते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं घर अब, ठीक है, चलते हैं घर। और उधर देखिए मूली लेके आ रहा है वो लोग। तो दोस्तों चलिए चलते हैं घर, अब चल दिए हैं। तो दोस्तों हम लोग खेत में आ चुके हैं और ये देखिए, ये उस दिन मैं आपको दिखाया था कितना छोटा छोटा था, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए हो चुका है बड़ा बड़ा, ये देखिए उसको, देखिए उधर क्या कर रहा है अकेले, इधर आ फटाफट, वो देखिए। और दोस्तों ये गोभी देखिए, उस दिन मैंने आपको दिखाया था कितना छोटा छोटा था, एक देख देखिए ये गोभी फूल दे चुका है और ये थोड़ा बड़ा होगा उसके बाद तोड़ लेंगे। ये देखिए ये छोटा है, अगर रहने दिया तो ठीक है, नहीं तो कोई तोड़ तोड़ के ले गया तो कोई बात नहीं है। और ये देखिए दोस्तों ये सब, इसमें भी देखिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा है, देख सकते हैं आप लोग। और उधर भी है, ये तो पहले लास्ट में रोपा था और उधर भी लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं। और इसमें देखिए ये मिर्ची का पेड़ है, ये दिख रहा है ना तो ये मिर्ची का पेड़ है, देख ये देखिए दोस्तों, ये देखिए गोभी है ये। और चलिए दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे और वो आलू वाले खेत में, और उसमें देखते हैं कि जो वो है कि नहीं, बड़ा है कि नहीं, और चूहा भी लगा हुआ है, तो चलिए चलते हैं। और धूप देखिए दोस्तों कितना तेज है, और हवा चल रहा है दोस्तों फिर भी ठंड लग रहा है, धूप इतना तेज है फिर भी। और लगभग में देखिए दोस्तों सभी आलू, सभी लोग आलू खून लिया है, निकाल लिया है, देख सकते हैं, देखिए कितना हरा भरा दिखने में लग रहा है। ये मक्की का पेड़ है, देखिए मक्की का पेड़ भी इतना बड़ा बड़ा हो चुका है। और ये देखिए मूली, ये देखिए मूली है ना, तो चलिए चलते हैं आगे, चलिए चलते हैं आगे। वो देखिए वो वहाँ पे है। और ये देखिए दोस्तों तार का पेड़ है, ये देखिए कितना बड़ा बड़ा है, देख सकते हैं, देखिए उधर बांस का बारी है, तो दोस्तों बांस भी काटने जाना पड़ेगा हमको, बांस भी, अरे भाग भाग, ये दूसरे का, अरे इधर हो, इधर अपने खेत में चल, इधर आ, इस साइड आ, इस साइड आ, ये इसको देखिए दोस्तों कैसे कर रहा है, इधर यहाँ पे खड़ा है। और यहाँ देखिए, ये देखिए ये भी है गोभी का पेड़, ये देखिए तू यहीं है ना। और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए गोभी, ये भी बन गया, ये देखिए हो चुका। और ये देखिए दोस्तों कितना छोटा गोभी है, ये देखिए देख सकते हैं आप लोग, अब ये धीरे धीरे बड़ा होगा दोस्तों, एक ही बार में सारा निकल गया, ये देखिए इसमें भी है, एक ही बार में निकल गया दोस्तों, अगर बच गया तो ठीक है, नहीं तो कोई तोड़ के ले गया तो कोई बात ही नहीं, सारा हो गया देख सकते हैं, ये देख सकते हैं सारा फूट चुका है। ये देखिए दोस्तों गोभी फट आरो भर, ये देखिए दोस्तों ये गोभी थोड़ा बड़ा है और ये सब छोटा छोटा है, कोना पर ही है हमारी। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा है, इसमें भी हो रहा है देखिए, ये देख, और एक ये है, ये देखिए। और ये मकई देखिए कितना बड़ा बड़ा हो चुका है। अगर चलते हैं दोस्तों इसके अंदर आलू देखने के लिए, देखिए आलू का जो लत्ती था वो सारा गल चुका है, देख सकते हैं आप लोग, देखिए सारा गल गया और आलू पता नहीं हुआ होगा। और दोस्तों ये देखिए ये सब है ना, ये सब, ये पेड़, ये देखिए सब, ये धनिया है, तो ये थोड़ा बड़ा होगा और तो इसमें धनिया लगना चालू होगा, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तब तक चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चूहा देखिए कितना लगा हुआ है। तो ये चूहा से बच गया तो आलू मेरा हो ही जाएगा, नहीं तो आलू बर्बाद है, देख सकते हैं ये पूरे खेत में। चलिए चलते हैं आगे, किधर है, किधर है, किधर है, किधर कन्ने से चूहा लगल है, मुँह कन्ने लगल
वैसे देखिए आलू का लत्ती देखिए पूरा गल चुका है, देखिए पूरा गल चुका है, देख सकते हैं वहाँ देख पूरा पौधे का तो नहीं है, कहाँ कहाँ है भैया तब आलू खाइए तो। ये देखिए दोस्तों ये देखिए इतना बड़ा आलू, देखिए इतना बड़ा बड़ा है, अभी ज्यादा बड़ा भी नहीं है, देखिए ये देखिए खेतों में चूहा लग गया है, देख सकते हैं आप लोग और करने से। ये देखिए दोस्तों पूरा लग रहा है कि खा जाएगा, देखिए चूहे का बिल। ये देखिए देख सकते हैं चूहा उधर, देखे दोस्तों मेरा छोटू देखिए टोपी टोपी दिख रहा है आपको, वो देखो देखो लॉलीपॉप दिखा रहा है आप लोग। और देखिए दोस्तों गेहूं देखिए कितना बड़ा हो गया है, ये गेहूं का पेड़ है और चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं वो क्या कर रही है वहाँ पे। रे तू यहीं रहना रे, नहीं तो कांटा वाटा गड़ा ले पैर में। ये देखिए दोस्तों आ धनिया निकाल रही है, देख सकते हैं मछली में डालने के लिए, मछली में डालेगी धनिया। ये देखिए दोस्तों ये आलू निकाली है और धनिया तोड़ी है, तो धनिया देखिए खड़ी है बीच खेत में। चलिए चलते हैं आगे दोस्तों, देखिए उस साइड का मकई देखिए कितना बड़ा हो चुका है, इस साइड का देखिए छोटा है। अगर आलू नहीं निकालेंगे तो मक्की ख़राब हो जाएगा, तो दोस्तों आलू क्या करेंगे अभी दो तीन दिन में आलू निकालना चालू कर देंगे, और आलू निकालेंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा कि आलू कितना कितना बड़ा हुआ है। अभी ज़्यादा बड़ा तो है नहीं दोस्तों आलू। आइए देखिए बुकला, ये बुकला है दोस्तों, हम लोग इसको बुकला बोलते हैं। और मैं आपको राजमा का पेड़ दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों राजमा का पेड़ ऐसा होता है देखिए। आइए सरसों है, ये सरसों, सरसों जो आप लोग खाते हो ना वो है। और ये देखिए दोस्तों ये राजमा का पेड़ है, ये देखिए ये अंकुरित हुआ है अभी, ये देखिए राजमा का पेड़, ये राजमा का पेड़ है, ये राजमा का पेड़ है दोस्तों। देखिए वो दोनों माँ बेटे देखो देख गायब हो गया, तो कहाँ गए हैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये देखिए ये दूसरे का खेतरे मारेगा, इसमें खेल इसमें, ये देखिए इसको देखिए ये क्या कर रहा था, देखिए अरे बाप रे, ये देखिए आलू लो चले घर चले चले घर चले घर, वो खतना जिधर देखे कौन सा की उसमें नहीं हुआ। तो दोस्तों आपने ए यहाँ पर, तो दोस्तों आपने मैंने आपको सारा चीज़ दिखाई दिया, गोभी अभी थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ है और अभी दो चार दिन में दोस्तों गोभी भी निकाल लेंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आप लोग दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जल्दी मेहनत बहुत लग रहा है इसको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को दोस्तों आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करना। बस आपको उम्मीद है, मुझे इतना उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, और उम्मीद आप लोगों से भी ये भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा अपने छोटे भाई को। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।